वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग के मैं आरती मामी सिद्धू बेबू और हम सभी जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं लेकिन आपको लेके जरूर चलेंगे हम जहाँ भी जा रहे हैं आपको दोस्तों कहीं भी जा सकते हैं हम क्योंकि जहाँ पर हमको हसीन जगह मिल जाए वहीं रुक जाएंगे हम। आज है 2 अक्टूबर तो दोस्तों हम निकले अभी भीमताल से, देखिए कहाँ जाते हैं, पदमपुरी चाफी। सिद्धू हाई करो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और क्या बेल आइकन की बटन जरूर दबाएं ना। ओके, तो आपको दिखाते हैं आगे का नजारा, काफी क्राउड है आज 2 अक्टूबर का दिन भीमताल में। तो भीमताल से निकले हैं, देखिए दोस्तों कितना जाम लगा हुआ है हमारे भीमताल सिटी में, काफी टूरिस्ट आए हुए हैं। तो छुट्टियों के मौसम में ये दिक्कत तो होती है दोस्तों, पहाड़ों में सारा प्लेन्स हल्द्वानी बरेली मुरादाबाद दिल्ली से ट्रैफिक यहाँ आ जाता है ठंडी हवाओं का आनंद लेने के लिए हमारे शहर भीमताल नैनीताल। देखिए वहाँ भी जाम लगा हुआ है, अब देखते हैं जाम में हम कहाँ तक जाते हैं दोस्तों और लंच कहाँ करते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं चाफी की ओर, ये छोटा सा एक गांव पड़ता है पदमपुरी चाफी से पहले, आपको मैं दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छा छोटा सा गांव दिख रहा है, देखिए वैली खेत दिख रहे हैं, ये प्राइमरी स्कूल भी है। मार्केट है एक, अब आएगा ब्रिज और उसके पास एक दो रेस्टोरेंट चल जाएंगे आपको, मचान है और एक दो काफी रेस्टोरेंट बने हुए हैं, उससे थोड़ा आगे तक जाएंगे हम, देखते हैं पदमपुरी तक क्या मिलता है आजकल, क्या क्या रिजॉर्ट खुले हुए हैं जरा चेक करते हैं, फिर देखते हैं लंच कहाँ करेंगे नदी किनारे कहीं पर। ये आगे चाफी का ब्रिज, नीचे नदी है, लोग काफी यहाँ जाते हैं वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेने के लिए, नीचे नदी किनारे बैठते हैं। देखिए ये नदी दोस्तों, देखिए काफी टूरिस्ट दिख रहे हैं अभी नीचे बैठे हुए हैं। और ये है एक तो यहाँ पर रिजॉर्ट, कालसा रिवर व्यू बार इंडस्ट्री है मचान, यहाँ पर ये देखिए मचान रिवर साइड, काफी लोग यहाँ लंच करने आते हैं। मेन पदमपुरी है दोस्तों, ये प्रॉपर पदमपुरी गांव जो है यही है, इसी से आगे आप दानाचुली और मुक्तेश्वर की ओर जाएंगे लेफ्ट मोड़ेंगे तो। और हमको लेफ्ट लेना है पुल की ओर, ये आ गया पुल। तो दोस्तों हम अभी जा रहे हैं भालूगढ़ की ओर मुड़ चुके हैं, ये है एक वाटरफॉल है दोस्तों जहाँ काफी टूरिस्ट आते हैं, वहां तक तो हम नहीं जाएंगे, भादुगाड़ के फ्रंट तक जहाँ पर रेस्टोरेंट्स है वहाँ चाय नाश्ता करेंगे। तो ये देखिए एक वहां पर और है, वहां पर वाटर, वहीं पर रुक जाएंगे, वहां पर पानी का एक स्रोत है आने वाला है, वहां पर छोटा स्विमिंग पूल बनाएगा, वहां पर फिश भी है और वहीं पर नाश्ता पानी करेंगे दोस्तों। और आपको दिखाते हैं भादुगाड़ का एरिया। तो दोस्तों ये एक आजकल नया टूरिस्ट पॉइंट बना हुआ है भालूगढ़ वाटरफॉल से पहले, यहाँ पर भी पानी को रोक के एक छोटा सा लेक बनाया गया है स्विमिंग पूल की तरफ, काफ़ी देखिए गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। और ये देखिए और यहाँ पर लोग चाय नाश्ता करते हैं और पानी में अपने गोरे गोरे पाँव को डाल के एंजॉय देते हैं। देखिए आप यहीं रोक दो ना, पहले रोक दो, वहाँ क्या जाना है पार कर दो। कहाँ गए आप? के सिद्धू पहुंच चुके हैं भालूगढ़ वाटरफॉल के पास, ये खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन नया बना हुआ है, देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है। भालूगढ़ में तो 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है दोस्तों, इसलिए हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम यहीं पर रुकेंगे और यहीं पर एंजॉय करेंगे दोस्तों इस वाटरफॉल का, छोटे से वाटरफॉल का। ये थोड़ा थोड़ा मुझे सहज धारा देहरादून की याद दिला रहा है, वहाँ भी ऐसे बने हैं आपने देखा होगा दोस्तों। मछली पकड़ना इतना इजी है। चल के आगे बढ़ता हुआ,
ये वो डक भी है देखो वहाँ, वहाँ देखो छोटे छोटे बतख भी हैं। और ये हमारी टीम आ चुकी है, अभी अभी मत खोलो ना, आओ रेस लगी है, रेस कौन जीतेगा, देखिए कौन जीतता है। दोनों ने अपनी दिशा को बदल दिया है, तो जहाँ हमारी मैडम लोग बोले वहीं जाना पड़ेगा, तो चलते हैं। चलो चलो आराम से जाइए पानी में बच के, चलो चलो चलो। चलो 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 अरे सिद्धू भाई चलो बढ़ो आगे, और आगे बेबो और के भी दौड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखो चलो डेंजर है बेटा, आराम से चलो। ये दिखा सकते बच्चे एंजॉय लेते हुए के हाय, सब हाय करो, हाय हाय। ये दोस्तों मेन रोड जहाँ से हम आए थे, और यहाँ से होते हुए हम पहुंचे इस तालाब में दोस्तों। तो ऐसे नदी पार करते हुए हम आ रहे हैं वापस रेस्टोरेंट की ओर।
नहीं जाने दो। क्या खाओगे? मैगी? ओके बेटा। फ्रेंड्स हम आनंद ले रहे हैं, देखिए हमारे पांव जमीन पर नहीं है, पांव पानी के अंदर है हमारे पांव। और ये देखिए कुछ ऐसे है रेस्टोरेंट जहां पर चेयर और ऐसे पानी का एंजॉय लेके हम तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइबर नहीं है मेरे तो आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बच्चे मैगी का मजा ले रहे हैं। देखिए कौन आएगा फास्ट, बड़े चाय का मजा ले रहे हैं और हम चाय का मजा ले रहे हैं। और हम हैं भालूघाट से 1 किलोमीटर पहले। दोस्तों आज का ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा लाइक करें और अपना कमेंट जरूर दे दो। तो कैसा लगा और क्या क्या आपको कहाँ का टूरिस्ट पॉइंट मैं दिखाऊँ, आपको कहाँ घुमाऊँ, तो जरूर बताइए दोस्तों। इसी के साथ अलविदा लेते हैं आपका होस्ट द हिमालयन ऋतिक। मिलते हैं फिर किसी और अगले अंग में, तब तक के लिए ख्याल रखिए दोस्तों, बाय।